एप्टीट्यूड देख रहे हैं, एसएससी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है, कैसा रहा आपके पास? बहुत अच्छा एग्जाम गया। कौन सा सेक्शन ज्यादा समस्या दिया? नहीं, मैथ रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी मैथ्स वगैरह बहुत इजी था, इंग्लिश भी काफी इजी था, प्रीवियस ईयर की सारी क्वेश्चन एडवांस की क्वेश्चन भी थी, क्वेश्चन ठीक ठाक। किस टाइप से कितना था लगभग एडवांस की? कुछ लगभग 10 से 12 कुछ एडवांस के रहे होंगे। 25 इंग्लिश का क्या? इंग्लिश में सारे प्रीवियस ईयर के हैं, सारे प्रीवियस ईयर इंग्लिश। जीएस भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, रीजनिंग थोड़ी सी जो है कैलकुलेटिव है, बाकी सब कुछ नॉर्मल। मैथ्स कैलकुलेटिव नहीं, मैथ्स ठीक ठाक है। साइंस का क्या? एक दो क्वेश्चन मैथ्स कैसे था, जो रेशियो का था वो सब थोड़ा सा लग रहा था, क्वेश्चन है दम, बाकी सारे क्वेश्चन थोड़ा सा कोई क्वेश्चन याद क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे मेरे को याद है कि ठीक है कि एक रीजनिंग एक मैथ्स की क्वेश्चन थी रेशियो का, जिसमें वो था रुपया वाला क्वेश्चन था, जो किस 5 रुपए का किसके स्क्वायर करने पे आएंगे, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लगा है कि दम है, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक ठाक थे, साधारण तरीके। हाँ, साधारण प्रीवियस पर विशेष ध्यान। कैसा रहा? कैसा रहा पेपर? अच्छा था पेपर? अच्छा। कहाँ दिक्कत हो रहा है ज्यादा? दिक्कत तो नहीं हुआ, कहीं भी दिक्कत नहीं। प्रीवियस से आ रहे हैं? हाँ, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस पैटर्न है? हाँ बिल्कुल प्रीवियस। मैथ्स में क्या लेवल था? मैथ्स में लेवल मतलब इजी था, 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था। जीएस का क्या था? जीएस इजी था। इजी था। और लोगों से जानेंगे कैसा रहा पेपर? कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। इंग्लिश का क्या पोजीशन है? ठीक था, थोड़ा सा बढ़िया था। बढ़िया था। प्रीवियस से आ रहे हैं क्या? जी जी। जीएस का क्या पोजीशन? जीएस का ही प्रीवियस है। चलिए देख सकते हैं, और लोगों से बातचीत करेंगे। कैसा रहा बाबू पेपर? कैसा रहा जी? कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा? क्वेश्चन ठीक था। क्वेश्चन ठीक था। प्रीवियस से आ रहे हैं? प्रीवियस पर पूरा जो है टेस्ट बुक बेस्ड था क्वेश्चन। कहाँ से तैयारी की? तैयारी हम मैथ का आदित्य रंजन सर से और इंग्लिश का नीतू मैम से ऑनलाइन। इंग्लिश नीतू मैम। इंग्लिश सही रहा? इंग्लिश से टोटल प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन। टोटल प्रीवियस? हाँ टोटल प्रीवियस। जीएस का क्या? जीएस में स्टैटिक के साथ ज्यादा था और करंट अफेयर 2023 का पूछ रहा है। करंट अफेयर 2023 का? दो करंट अफेयर था 2023, मात्र दो ही था। हाँ दो ही था। मतलब कहाँ ज्यादा समस्या रीजनिंग में हो रहा है कि मैथ्स की? ज्यादा टाइम टेकन रीजनिंग में। ज्यादा टाइम टेकन? पजल वगैरह भी आ रहे हैं क्या? पजल नहीं है, एक फिगर बेस्ड जो ट्रायंगल वाला रहता है उससे आ रहा। मतलब पुराने ही पैटर्न पर? हाँ पुराने ही। कैसा रहा? क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन इजी था। समय मिला? मतलब कोई समय का बाउंडिंग नहीं ना हो रहा है कि समय तो एक घंटा है ये तो है, लेकिन उससे क्या हो रहा है? क्वेश्चन छूटा नहीं ना? क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन छूटा था, कुछ क्वेश्चन था, लेकिन कहां ज्यादा कैलकुलेटिव रहा, कहां समय ज्यादा टाइम टेकन कैलकुलेटिव था। और जीके जीएस सही था? जीके जीएस सही था। इंग्लिश? इंग्लिश भी सही था, इंग्लिश इजी था। इजी था। प्रीवियस से आ रहे हैं? साइनोनिम एंटोनिम ज्यादा था, बिल्कुल इजी नहीं लगा। मतलब सबसे अधिक कहाँ कठिन लगा, किस सेक्शन में आप सबसे ज्यादा? कठिन तो नहीं लगा। कठिन नहीं लगा, टाइम टेकिंग मैथ था बस। कितना बनाए मैथ में? लगभग 21। टोटल कितना? टोटल 87 के आसपास बनाए। बहुत अच्छा। और लोग से जानेंगे कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा पेपर? कैसा रहा? अच्छा रहा। कहाँ से तैयारी की है? घर से। घर से ऑनलाइन? मतलब कहाँ ज्यादा दिक्कत हो रहा है? कोई बच्चे जो कल जिनका एग्जाम है या आगे तैयारी कर, उनको क्या आप सजेस्ट कीजिएगा? क्या सजेस्ट? मेरा फर्स्ट टाइम है। आपका फर्स्ट टाइम? कितना अटेम्प्ट ली? मैंने 68। मात्र 68? चलिए फर्स्ट टाइम है। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। पेपर ठीक था। कहाँ ज्यादा समय लगा? समय मतलब, लेकिन कहाँ ज्यादा खींच लिया समय आप? पेपर ओवरऑल ठीक था, मतलब 2-4 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में था जो थोड़ा बहुत टाइम ले रहा था, और एक दो क्वेश्चन 2-3 मैथ्स में था, ओवरऑल ठीक था। ठीक। जीएस कैसा था? जीएस सर में जीएस पेपर सही था सर। जीएस में ज्यादा, अगर जो भी बच्चा अगर सीजीएल का तैयारी कर रहा होगा, अगर मान लेते कि वो अगर इस क्या बोलते हैं किरण पब्लिकेशन से पढ़े तो उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हाँ जीएस किरण से आया था। हाँ किरण से आया था। और इंग्लिश तो मेरा छूट गया, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। कितना अटेम्प्ट किए इंग्लिश में? 15 ही अटेम्प्ट कर पाए। 15 बाकी ओवरऑल कितना अटेम्प्ट? ओवरऑल 92 है। 92। आप कितना टोटल? मेरा तो 80 अटेम्प्ट किए हैं। 80 अटेम्प्ट? हाँ हाँ। कहाँ से पढ़े थे आप? मैं तो मतलब अभी रेलवे में जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते? पंजाब में। किस पद पर? रेलवे में ग्रुप डी पे। ऑनलाइन पढ़े हुए? हाँ ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। मतलब कहाँ ज्यादा लगा, जो बच्चे कर लेंगे या आने वाले समय में तैयारी करें उनको क्या सजेशन दीजिएगा? मैथ और रीजनिंग एकदम मतलब इजी है। मैथ रीजनिंग इजी है? हाँ, मतलब अगर वो स्पीड उनका ज्यादा है तो 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आराम से जल्दी जल्दी बना सकते हैं। और कहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन में कहाँ समस्या? रीजनिंग में तो पजल वगैरह भी आ रहा था। पजल का भी क्वेश्चन था, ट्रेंगल काउंटिंग वगैरह ये सब। एक क्वेश्चन उससे भी था, ट्रेंगल से काउंटिंग से। हाँ। साइंस में क्या लेवल था? साइंस का तो मतलब क्वेश्चन कम ही था, 3-4 क्वेश्चन था। तीन चार ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन टफ था। इनायत
नया वाला क्वेश्चन था, पुराना में जैसे कि मतलब प्रीवियस उतना आ रहा है जितना से क्वालिफाई करते हैं। हाँ हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं जो भी विद्यार्थी हैं जो करंट अफेयर्स है ना उसमें जैसे तो ही पूछा था करंट अफेयर। हाँ हाँ जैसे 2023 का पूछा था, एक सीएम पूछा था और विज्ञान मंत्री पूछा था, मतलब मंत्रालय से रिलेटेड दोनों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, आपका भी एग्जाम था कैसा गया थोड़ा सा बताइए। ठीक है तो आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।